इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बी कॉम सेकेंड सेमिस्टर, सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स, और यूनिट 3 के जो है कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे। टॉपिक है स्क्यूनेस, और ज़्यादा कंसंट्रेशन अभी जो है वो एमसी के ऊपर करेंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस या फिर जिसको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, कि शॉर्ट क्वेश्चन जब आता है तो आंसर किस प्रकार से कैलकुलेट करना, और इस चैप्टर पर जो है बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है जिस प्रकार से रहेगा एमसीक्यू प्रकार से, उसी प्रकार के हम क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको सॉल्व करते वक्त एग्जैक्ट जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको वो सॉल्व करते आएंगे। तो स्क्यूनेस पे ध्यान में रखना है पहले फार्मूले, और फार्मूले के हिसाब से फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहला फार्मूला ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मोड फार्मूले। इसमें जो है सब फार्मूले पर ही डिपेंड है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करते हो पहले फार्मूला मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, ठीक है। और इसी को इस प्रकार बोल सकते हैं अपन, जे मतलब स्क्यूनेस इक्वल टू ए माइनस जेड, ए मतलब मीन, जेड मतलब मोड, मतलब मीन माइनस मोड, ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम रहा तो क्या आएगा डेल्टा एम, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन रहा तो क्या आएगा डेल्टा ए। इस प्रकार से ये फार्मूले को हमको ध्यान में रखना है, हम ये सिंबल ही यूज करेंगे, इसलिए सिंबल ही ध्यान में रखना है। जे इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये आपको मालूम है मीन, जेड आपको मालूम है मोड, और ये क्या है डेल्टा जेड है मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन रहा तो ये आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन रहा तो डेल्टा ये आएगा। इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना है। अब स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन फार्मूला, जनरली स्क्यूनेस जो पूछा जाता है वो कार्ल पियर्सन के फार्मूले से कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। तो कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है कार्ल पियर्सन का फार्मूला, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और हमको सिंबल ही ध्यान में रखना है, जे इक्वल टू इसी को इस प्रकार लिखेंगे, जे इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको यही ध्यान में रखना है, पढ़ना एक बार ये है लेकिन ध्यान में रखना ये है। क्या है कार्ल पियर्सन का फार्मूला, कार्ल पियर्सन का फार्मूला है जे इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जब मोड क्लियर ना हो, या फिर आप ये ध्यान में रखना कि इस प्रकार की अगर वैल्यू दी है तो जे इक्वल टू थ्री इन ब्रैकेट ए माइनस यम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ए है, ए माइनस यम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद में चौथा फार्मूला बाउलेस क्यूनेस बेस्ड ऑन कॉर्डाइल। अब बाउलेस के फार्मूला थ्रू स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है, लेकिन बाउलेस का फार्मूला काय पर डिपेंड है, क्वार्टाइल पर डिपेंड है, इसलिए बाउलेस का फार्मूला स्क्यूनेस का जे इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम डिवाइडेड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन। क्या है बाउलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला, क्वार्टाइल पर बेस्ड है, और फार्मूला क्या है जे इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम डिवाइडेड बाय क्यू थ्री माइनस क्यू वन, ठीक है। तो ये फार्मूले जो है इस प्रकार से फार्मूले है, और भी कुछ फार्मूले आगे आएंगे, लेकिन पहले जो है ये बेसिक फार्मूले हमको ध्यान में रखना है, जिस प्रकार से वैल्यू दी हुई है उस प्रकार से हमको कैलकुलेट करना है। अभी हम बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम देखेंगे, ताकि एम सी क्यू सॉल्व करने के लिए हमको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शॉर्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। पहला वाला जो है ए इक्वल टू 12.43 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1.20 दिया है, जेड इक्वल टू 12 दिया है, और जे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बोला है, मतलब जे यानी स्क्यूनेस हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्या क्या दिया है हमको, दिया है ए दिया है 12.43, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 1.20,
जेड दिया है मतलब मोड 12, जे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब स्क्यूनेस, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब स्क्यूनेस जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया कि आप कौन से, आप कार्ल पियर्सन के फार्मूले से करेंगे या बाउलेस के फार्मूले से करेंगे, ये कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस पर से हम कौन से फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन का फार्मूला देखते हैं, जे इक्वल टू हमारे पास ए भी है मतलब मीन भी है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, मतलब जो है कार्ल पियर्सन का फार्मूला यहाँ पर जो है स्क्यूनेस का फिट बैठता है। इसलिए जे इक्वल टू ए माइनस जेड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। जे इक्वल टू ए कितना है 12.43 माइनस जेड कितना है 12, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 1.20, तो आता है जे इक्वल टू 0.43 डिवाइडेड बाई 1.20, तो आता है जेड जे इक्वल टू 0.36। यानी यहाँ पर हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताया लेकिन कौन से फार्मूले से निकालना ये कुछ भी नहीं बताया। तो हमने क्या किया, कार्ल पियर्सन का फार्मूला लगा के देखा कि ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है और ये भी वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू है, तीनों वैल्यू है तो एक वैल्यू आसानी से निकल सकती है। इसलिए जे इक्वल टू हमने फार्मूला लगाया ए माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला हमने निकाला लगाया और जे इक्वल टू है 0.36। अब प्रॉब्लम नंबर 2 दिया हुआ है, Q1 इक्वल टू 8 मतलब लोअर क्वार्टाइल इक्वल टू 8, Q3 इक्वल टू 10 मतलब अपर क्वार्टाइल इक्वल टू 10, M इक्वल टू 9, M मीन्स यहाँ पे मीडियन इक्वल टू 9 और J इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी J यानी स्क्यूनेस हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया है कि कौन सा फार्मूला तुमको यूज़ करना है। अब सिंपली कार्ल पियर्सन का फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके आंकड़े दिए हुए हैं क्या हमको, नहीं, यानी कार्ल पियर्सन का फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। इसका लगा सकते हैं बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि बाउलेस के फार्मूले में Q3 भी है, Q1 भी है, M भी है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे बाउलेस का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्वार्टाइल का फार्मूला। तो बाउलेस फार्मूला क्या है, जे इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। जे इक्वल टू Q3 कितना है 10, Q1 कितना है 8 माइनस इन ब्रैकेट 2 और M कितना है 9, Q3 10 माइनस Q1 8। तो जे इक्वल टू 10 प्लस 8 या गए 18 माइनस साइन एज इट इज 9 टू जा 18, 10 माइनस 8 यहाँ पर आए 2, यानी J इक्वल टू 18 माइनस 18 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो J इक्वल टू 0। यानी दोनों भी प्रॉब्लम में आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मतलब J कैलकुलेट करने के लिए बोला था लेकिन कौन सा फार्मूला लगाना है ये प्रॉब्लम में नहीं बताया है। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम J कैलकुलेट कर सकेंगे। तो पहले इसमें कौन सा फार्मूला लगा, पहले इसमें लगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला, जे इक्वल टू ए माइनस जेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरे इसमें कौन सा फार्मूला लगा, दूसरे इसमें स्क्यूनेस का फार्मूला जो है वो बाउलेस का फार्मूला लगा, क्योंकि वैल्यू कौन सी है, Q1 है, Q3 है, M है, तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया, जे इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। तो इसकी प्रैक्टिस करना है और जो भी फार्मूले दिए हैं ये फार्मूले अच्छी तरह देखना है, क्या पूछा है और क्या कैलकुलेट करना है ये देख के आपको कैलकुलेट करना है। फार्मूले सभी ध्यान में रखना है, या एप्लीकेशन ध्यान में रखना है, ए मीन्स क्या है, जेड मीन्स क्या है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।